नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह राजावत। आप देख रहे हैं INS न्यूज प्लस। बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली के कंजवाला इलाके में बदमाशों ने युवक को 40 राउंड फायरिंग कर उतारा मौत के घाट। एक महीने पहले जेल से छूट कर आया था युवक। शाहीनबाग में दूसरे दिन भी बातचीत से नहीं निकला कोई हल। नाराज वार्ताकारों ने प्रदर्शनकारियों को दी चेतावनी। कोरोना वायरस से अब तक 2100 से ज्यादा लोगों की मौत। लोगों को नहीं मिल पा रहा इलाज। AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने दिया बेहद विवादित बयान। वारिस पठान के इस बयान के बाद राजनीति गर्म। राजधानी दिल्ली के कंझावाला इलाके में बदमाशों ने देर रात एक स्कॉर्पियो सवार युवक को गोलियों से भून डाला। इस दौरान बदमाशों ने 40 राउंड फायरिंग की। 20 गोलियां उस युवक को लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आइए इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं आपको इस पूरी घटना की हकीकत। रात का करीब 9 बज रहा था। अंचल अपनी कार से लाडपुर गांव की तरफ जा रहा था, तभी बदमाशों ने उसकी कार को ओवरटेक कर रोक लिया। फिर शुरू हुआ असली खूनी खेल। अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे बदमाश। इस दौरान बदमाशों ने अंचल को करीब 20 गोलियां मारी और 40 राउंड फायरिंग की। अंचल को मरा समझ लेने के बाद ही बदमाश हरियाणा की तरफ फरार हो गए। वारदात वाला इलाका हरियाणा की सीमा से सटा हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और छानबीन शुरू कर दी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि बीते साल अप्रैल में अंचल ने अपने गांव कराला के ही एक युवक को गोली मार दी थी। इस घटना में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था और एक माह पहले वो जेल से जमानत पर छूटा था। इस पर विभिन्न अपराध के 4 मामले भी दर्ज थे। अभी तक की जांच में मालूम हुआ है कि अंचल का माजरा डबास गांव के दीपक के गिरोह से विवाद चल रहा था। पुलिस को शक है कि दीपक ने अपने साथियों से ये वारदात कराई है। वहीं अंचल इस समय गोगी गिरोह से भी जुड़ रहा था, इसलिए पुलिस टिल्लू नीरज बवाना गिरोह पर शक कर रही है। शाहीन बाग में प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से हल ये निकाला गया कि वार्ताकार नियुक्त किए गए। वार्ताकार वहां पर पहुंचे, उन्होंने बात करने की कोशिश की, लेकिन अब वार्ताकार इन प्रदर्शनकारियों से नाराज नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इसी तरह का अगर बर्ताव जारी रहा तो वो कल से नहीं आएंगे। दक्षिण दिल्ली के शाहीन बाग में प्रदर्शनकारियों से बातचीत के लिए पहुंचे वार्ताकार लगातार प्रदर्शनकारियों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहां बात बनती दिख नहीं रही है। इसी बीच वार्ताकार ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि आपका यही व्यवहार रहा तो हम कल से यहां नहीं आएंगे। इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हम पिछले 2 महीने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पलके बिछाए इंतजार कर रहे हैं, वो शाहीन बाग आए और हमसे बात करें। बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के विरोध में शाहीन बाग में 15 दिसंबर से शुरू हुआ धरना जारी है। प्रदर्शन के चलते दिल्ली से नोएडा को जोड़ने वाला मार्ग 13A पिछले 2 महीनों से भी अधिक समय से बंद है। इससे वाहन चालकों को काफी परेशानी हो रही है। कोरोना वायरस से अब तक 2100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इलाज कहीं नहीं मिल रहा है, लोग तेजी से इसकी चपेट में आते जा रहे हैं। अब तक खबर थी कि कोरोना वायरस किसी जानवर से फैला है, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो हर किसी को सन कर रही है। चीन की लैब से फैला कोरोना वायरस। इस जानलेवा वायरस की शुरुआत चीन के हुबेई प्रांत से हुई है और कोरोना वायरस चीन की ही एक लैब से फैला है, वो भी उस लैब से जिस लैब से चीन जैविक हथियार तैयार कर रहा था। चीन पिछले कई सालों से जैविक हथियार हासिल करने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए हुबेई के वुहान सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल में रिसर्च कर रहा है और जैविक हथियारों की टेस्टिंग के दौरान ही ये वायरस फैल गया। इंसानों से फैला कोरोना, जबकि चीन के कुछ वैज्ञानिक मान रहे हैं कि वुहान सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल लैब में 605 चमगादड़ रखे गए थे, जिसके जरिए कोरोना वायरस के फैलने की आशंका जताई जा रही है। इसके अलावा इस यूनिवर्सिटी के रिसर्च पेपर में भी कहा गया है कि कोरोना वायरस के लिए जिम्मेदार चमगादड़ों ने एक बार एक रिसर्चर पर हमला कर दिया, जिससे चमगादड़ का खून उसकी स्किन में मिल गया, जिससे ये वायरस फैल गया। घरों में कैद हैं लोग, कोरोना का खौफ ऐसा हो गया है कि चीन में लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। 1 करोड़ से ज्यादा आबादी वाला शहर वुहान 1.5 महीने से ठप है। अपने घरों में कैद लोग टीवी और मोबाइल के जरिए वक्त काट रहे हैं। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने एक बहुत बड़ा विवादित बयान दे दिया है और इनके इस बयान के बाद से राजनीति भी गर्म हो गई है।
हैदराबाद से सांसद अजदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने बेहद विवादित बयान दिया है। कर्नाटक के गुलबर्गा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए वारिस पठान ने बिना नाम लिए कहा कि 100 करोड़ हिंदुओं पर 15 करोड़ मुस्लिम भारी पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अगर आज़ादी दी नहीं जाती तो छीनना पड़ेगा। वारिस पठान के इस बयान के बाद राजनीति गर्म हो गई है। इससे पहले 5 फरवरी को पठान ने स्वीकार किया था कि उन्होंने मुंबई के नागपाड़ा इलाके में शाहीन बाग की तरह से विरोध प्रदर्शन आयोजित किया था। वारिस पठान के इस बयान के बाद राजनीति गर्म हो गई है। VHP ने वारिस पठान के इस बयान की आलोचना की है। उधर मुस्लिम मौलवियों ने वारिस पठान के इस बयान की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान घृणा को जन्म देते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान BJP जिस तरह से आप सरकार को घेरती नजर आ रही थी, केजरीवाल पर तमाम तंज कसे जा रहे थे और बयानबाजी के तीर छोड़े जा रहे थे, लेकिन अब वही BJP सांसद विजय गोयल ने केजरीवाल के लिए क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। BJP सांसद विजय गोयल ने CM अरविंद केजरीवाल से कहा कि वह उम्मीद करते हैं कि केजरीवाल चुनाव में किए अपने वादों को बखूबी पूरा करेंगे। एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हम दिल्ली के विकास में केजरीवाल जी का पूरा सहयोग करेंगे। मैंने आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को तभी ट्वीट कर बधाई दी। मैं उनको रामलीला मैदान में जो इन्होंने पिछले 5 सालों से हटकर अच्छी अच्छी बातें की, उसके लिए भी उनको बधाई देता हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये भी कहा कि मैं अनुरोध करूंगा कि MCD के तीनों निगमों का 10,000 करोड़ का बकाया तुरंत वापस दें, तभी लगेगा कि जो उन्होंने कहा है वो करेंगे। मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूँ MCD का, दिल्ली नगर निगम का, तीनों निगमों का जो 10,000 करोड़ रुपया बकाया है वो उसका तुरंत दें, क्योंकि उसके ना देने से दिल्ली के नागरिकों को असुविधाएं हो रही हैं, चाहे वो नाली की है, चाहे वो सड़क की है, चाहे वो दवाई की है और चाहे वो सफाई की है, और जो बकाया राशि है वो तीनों निगमों के साथ बैठकर उसको तय कर लें और उसको तुरंत चुकाएं। तो मैं समझता हूं कि जो उन्होंने कहा है वो दिखाई देगा कि उन्होंने असल में भी उसको किया है। फिल्मी सितारे अपने पैर जमीन पर जमा कर रखते हैं। इस लिस्ट में वैसे तो कई नाम शामिल हैं जो आए दिन लोगों की मदद करते हैं, लेकिन अब इस लिस्ट में एक और नाम शामिल हो गया है, वो है तेलुगु स्टार पवन कल्याण का। उन्होंने सैनिकों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। फिल्मी सितारे अपने पैर जमी पर जमा कर रखते हैं। इस मामले में बॉलीवुड और रीजनल सिनेमा लगभग बराबर है। अक्षय कुमार, आमिर खान और सलमान खान के बारे में ऐसी खबरें आती रहती हैं कि उन्होंने किसी की मदद की। वहीं रजनीकांत भी लोगों की मदद करने के लिए फेमस है। इस लिस्ट में एक और नाम है तेलुगु सुपरस्टार पवन कल्याण का। पवन कल्याण ने सैनिकों की मदद की है। एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर पवन कल्याण पूर्व सैनिकों की मदद के लिए आगे आए। पवन कल्याण ने पूर्व सैनिकों के हित में कार्यरत केंद्रीय सैनिक बोर्ड को 1 करोड़ रुपए का दान दिया। इसके लिए वो गुरुवार यानी 20 फरवरी को दिल्ली आए। इसके अलावा उन्होंने इंडियन स्टूडेंट्स पार्लियामेंट में बतौर स्पीकर भाग लिया। उनका सत्र दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया। और आइए जानते हैं क्या रहा आज की शेयर मार्केट का हाल। सीधे चलते हैं मुंबई स्टॉक एक्सचेंज। With some recovery on the coronavirus front, the global crude oil prices have started to recover. The Brent crude index, which fell to as much as 50 a barrel mark, is now inching close to 60 a barrel mark. This is not a good news for the Indian financial markets as well as the Indian economy, because India is a huge importer of crude oil. Besides, sentiments were also hurt because of a possible collapse of a telecom major, Vodafone Idea. The Vodafone Idea has been recently downgraded by 3 rating agencies, namely India Ratings, CRISIL and Brickwork. A collapse of a company of this size
could have an adverse impact on the banking sector and the financial sector. For INS, Ravi Dutt. IPL के 13वें संस्करण से पहले खेले जाने वाले ऑल स्टार मैच पर काले बादल मंडरा रहे। दरअसल फ्रेंचाइजीज ने इस मैच को लेकर आपत्ति जताई है। फ्रेंचाइजीज ने कहा है कि अगर ये मैच खेला जाएगा तो ये सारा प्रैक्टिस का समय खा जाएगा और ये फ्रेंचाइजीज नहीं चाहते। IPL से पहले होने वाली ऑल स्टार गेम के ऊपर काले बादल मंडरा रहे क्योंकि IPL फ्रेंचाइजीज का डर है कि इस मैच की वजह से उनकी तैयारियों पर असर पड़ सकती है। IPL फ्रेंचाइजीज का मानना है कि इसकी वजह से सारे बड़े खिलाड़ी जो हैं वो 3-4 दिन तक अपने अपनी टीम के साथ ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे और साथ ही साथ ये भी डर है कि इनको इंजरी हो गई तो उनके सीजन पर असर पड़ जाएगा। सौरभ गांगुली ने इस ऑल स्टार गेम का पहले जिक्र किया था और फ्रेंचाइजीज का ये कहना है कि इसकी खबर भी उनको सिर्फ न्यूज़ आउटलेट से मिला था और इस गेम के बारे में इससे पहले उनसे कभी बातचीत नहीं हुई थी। INS TV के लिए रोहित मुंडेयर। अपनी मूवी थप्पड़ के बारे में खास बातचीत की एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने INS के साथ। No, even today's film Loop Lupeta, that's a comedy thriller. It's a comedy more than a thriller. So yeah. And one of the people who announced us was Mr. Tanuj Garg. Yeah. And he's a good friend since quite some time. I mean, whatever happened online was just not really something that I don't think he intended in that way. He was actually giving me a very sweet compliment. Just that. You know, it's time. We don't realize, no, that's what the thing is. There's a lot of things that even we as women, we say or do without realizing that this is misogynistic. So we also do a lot of things like that unknowingly. So he wanted to really compliment me and he's been a really good friend and a very good supporter of a lot of work that I have done in the last few years. So just because I had heard the similar compliment or comment from a lot of people. Really? Yeah. Lately, I've been hearing that a lot. So and I've been saying the same thing to everyone who's been telling me this. So I just kind of wrote that also on Twitter. That's just blew out of proportion. और इसी के साथ INS News Plus की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए।